जिला प्रशासन की पहल पर अब छात्र संघ चौराहा स्थित होप पेनेसिया अस्पताल में कोरोना संक्रमितों का इलाज होगा। इसको कोविड लेवल 2 और 3 अस्पताल के रूप में तब्दील किया गया है, जिसमें लगभग 25 बेड का कोविड वार्ड शुरू किया जा रहा है, जिसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। हॉस्पिटल का संचालन IMA और नर्सिंग होम एसोसिएशन की टीम करेगी। जिला प्रशासन अस्पताल के कस्टोडियन के रूप में रहेगा। इसके संबंध में IMA के अध्यक्ष डॉक्टर SC कौशिक ने बताया कि पेनेसिया हॉस्पिटल में इलाज के लिए सामान्य मरीजों को 8,000 और गंभीर मरीजों को 13,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना होगा। यह शुल्क शासन की ओर से निर्धारित किए गए हैं। IMA के डॉक्टर मरीजों की देखभाल करेंगे। मरीजों की संख्या अगर बढ़ेगी तो और बेड बढ़ा दिया जाएगा। IMA की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम ने 25 बेड के कोरोना वार्ड के संचालन पर फौरन कार्य शुरू कर दिया है। अस्पताल का संचालन डॉक्टर AK मल की अगुवाई में IMA की टीम करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए IMA के अध्यक्ष डॉक्टर SC कौशिक ने कहा, बताते हैं देखते डिस्पोजल चादर तो सारे लगा के रेडी, पेंट सब रेडी है इसका। कौशिक, IMA प्रेसिडेंट। शुक्रवार को प्रशासन के द्वारा हम लोगों से सहयोग की अपेक्षा की गई थी और कहा गया था कि कोरोना के वार्ड मेडिकल कॉलेज में फुल हो चुके हैं, लेवल 2 लेवल 3 अस्पताल की बहुत सख्त ज़रूरत है सोसाइटी के लिए, गोरखपुर शहर के लिए, तो आप अगर चाहें तो पेनेसिया अस्पताल लेकर के चला सकते हैं। तत्काल हम लोगों ने IMA की मीटिंग करी और सारे पदाधिकारियों ने तय किया कि नहीं, हम लोग कोरोना वार्ड हॉस्पिटल चलाएंगे और पेनेसिया हॉस्पिटल को शनिवार को शाम को 5 बजे हमें हैंडओवर किया गया। और हम लोगों ने डॉक्टर AK मल, जो शहर के नामी इंटेंसिविस्ट हैं, उनसे हम लोगों ने संपर्क किया, उनको बुलाया, उनको इंचार्ज बनाया और तब से यहाँ पर पूरा पेनेसिया का टोटल हम लोगों का IMA के साथ मिलकर टोटल स्टाफ हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं वार्ड फुट लेवल पे कि आज 28 तारीख से हम लोग किसी भी तरह से यहाँ पर एडमिशन शुरू कर दें। सायं 4 बज रहे हैं, हो सकता है रात को 12-1 बजे तक हम लोग यहाँ पर कुछ बेड चालू कर दें। ICU का जो थर्ड नंबर रूम है वो करीब करीब बिल्कुल तैयार हो गया है एंड रेडी टू रिसीव द पेशेंट। स्टाफ भी हमारे तैयार हैं, डॉक्टर साहब भी तैयार हैं। काफ़ी स्टाफ मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि कोरोना का थोड़ा भय व्याप्त हो गया है इसकी वजह से, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग कन्विंस करके पूरे स्टाफ को कोशिश किए हैं कि वो आए और काम करें। उसके लिए उनको इंश्योरेंस और उनकी सैलरी के हिसाब से कुछ इंसेंटिव, कोरोना इंसेंटिव दे करके हम लोग जो है तैयार किए हैं, जिससे वो लोग जनता की सेवा कर सकें। और डॉक्टर AK मल साहब वो पूरी तरह से युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से ये सिस्टम हम लोग आज रात को 12 बजे तक चालू कर दें। धन्यवाद। अभी हम लोग, आज हम लोगों के पास करीब 20 से 25 बेड हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी कोशिश है कि अगस्त 1 वीक तक हम लोग इसको 75-80 बेड तक ले जाएंगे, इंक्लूडिंग करीब 15 वेंटिलेटर और बाकी कुछ आइसोलेशन वार्ड, कुछ ICU के नॉन वेंटिलेशन बेड जिनमें ऑक्सीजन का सेंट्रल सिस्टम लगा होगा। इस तरह से करके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग कोरोना से लड़ सकें। कितना चार्ज होगा इसका? ये चार्ज तो हमने नहीं निर्धारित किया, चार्ज गवर्नमेंट का निर्धारित किया हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसी चार्ज के हिसाब से हम लोग काम करेंगे।
हॉस्पिटल का चार्ज नहीं है, चार्ज हमको गवर्नमेंट ने बना के दिया, हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। सरकारी रेट है वही दिया। जी सरकारी रेट है वही दिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी रेट के हिसाब से काम होगा जी।